हेलो गाइस, जय माता दी। मैं रुमस में अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, किस मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा है और थोड़ी मैं बिजी भी हूँ, क्योंकि आजकल माता के नवरात्रि चले हुए हैं और हमें कई कई जगह पर दो दो तीन तीन बार कीर्तन करना पड़ रहा है, भाई दुर्गा स्तुति का पाठ करना पड़ता है, इसलिए हमें कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा है। और तो गाइस, आज है माता का छठा नवरात्रा और आप आज हम कहीं किसी के घर जाएंगे, उनके घर आज हम करेंगे दुर्गा स्तुति का पाठ। वो मेरी गाइस मेरी फ्रेंड है वो, और मेरे सैलून में भी आते हैं, तो आज सैलून में भी ब्राइडल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, फिर मैं उनके घर जाऊंगी कीर्तन करने। आज भी गाइस दो दुर्गा स्तुति के पाठ हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगी किस किस घर में हम गए हैं। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने हेड वॉश कर लिया और अभी हम ना अब बज गए हैं 5:30, तो अब मैं शुरू कर रही हूँ दुर्गा स्तुति का पाठ घर में। गाइस, मैं घर में भी दुर्गा स्तुति का पाठ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस बार टाइम भी नहीं है अपने घर में दुर्गा स्तुति का पाठ करवाने का, दो दो तीन तीन जगह हमने करना होता है इसलिए। तो ये देखो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और ये देखो माता जी भी रेडी हैं, ये देखो माता जी बैठे हैं, ये देखो गाइस माता जी बैठे हैं, भोले बाबा, गणपति महाराज, कृष्ण भगवान जी और माँ काली, और ये देखो लड्डू गोपाल जी को भी आजकल मैं नवरात्रों में जल्दी उठा देती हूँ, नहीं तो मैं 9 बजे से पहले नहीं लड्डू गोपाल जी को उठाती थी। और ये देखो गाइस, आज हमारा जैसे लड्डू गोपाल जी ने ब्लू कलर डाला है, तो हमारा आज ब्लू कोड है, आज हम ब्लू सूट डालेंगे, जिनके पास ब्लू है वो डाल लेंगे ब्लू, और जिनके पास नहीं है वो कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। ये हमारी थीम होती है कि हम एक जैसे सूट डालें, मिलते जुलते कलर, पर कई बार किसी के पास होता है कई बार नहीं होता है, तो मैंने आज डिसाइड किया था ब्लू कलर, तो लड्डू गोपाल जी को भी डाल दिया है ब्लू कलर। ये देखो, ये देखो गाइस लड्डू गोपाल जी कैसे बैठे हुए हैं, इनको जल्दी उठा देती हूँ ना मैं इसलिए। तो ये देखो मेरी जो जग रही है, अखंड जोत रखी हुई है मैंने और कलर्स मैंने यहाँ पे गाइस नीचे स्थापित किया है, ये देखो, क्योंकि मंदिर मेरा छोटा है, माता रानी मुझे बड़ा मंदिर लेके देंगे तब मैं। गाइस, अब मैं आ गई सैलून और मेरी ब्राइडल भी आ चुकी है, उसका मैं अभी ब्राइडल मेकअप करूँगी, तो मैं मिलाती हूँ आपको। ये है मेरी ब्राइडल और इसका कर रही हूँ मैं मेकअप, अभी बिना विदाउट मेकअप है, जब मेकअप हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी, और फिर उसके बाद हम जाएँगे कीर्तन करने। तो अभी मैं जल्दी जल्दी मेकअप कर लेती हूँ, फिर मैं कीर्तन के लिए भी मैंने जाना है, तब मैं आपको दिखाऊंगी। A few moments later. बहने लगी हुई है पाठ पढ़ने।
A few moments later. Few moments later. रोना कैसे बैठा है? मेरे फादर इन लॉ बैठे हैं और शीरो अपने दादा के साथ बैठा हुआ है। ये देखो भाई, कोई साथ में बैठेगा तो ये बैठा रहेगा। ये बैठा है शीरो। शीरो आए, शीरो हेलो करो। शीरो हेलो कर दे, बाकी हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे पुत्र। चलो फिर चलो, अब नहीं हेलो करेगा, मूडी है। देखो पिताजी बैठे हैं, मुँह नहीं नज़र आ रहा, अंधेरा है ना, बाहर बैठे हैं गली में। किसको देख रहा है? हेलो करो, हेलो है ना चंदा बच्चा। देखो भाई, मेरे हस्बैंड खीरा लेके आ गए बाहर से। हमने सैलेड के लिए खीरा मंगवाया है, तो अब मैं जल्दी जल्दी पूरी बनाने लगी हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर, और आज थे मुझे बहुत ज़्यादा काम। पहले मैंने सुबह उठ के घर का काम किया और पाठ किया सुबह, फिर उसके बाद मैंने गाइस सलून में जाके मेकअप किया, और फिर उसके बाद मैंने एक जगह कीर्तन किया और दुर्गा स्तुति का पाठ। फिर हमने एक जगह फिर से किया, दो जगह हमने आज कीर्तन किया और दुर्गा स्तुति का पाठ। तो घर आके मैंने आपको बताया कि मैंने कितना घर आके आपको बताया कि मैं शीरो के साथ भी थोड़ी देर खेली। उसके बाद अब मैंने खाना बना के, तो अब हो गई हूँ मैं फ्री। तो इस तरह मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होता है कई बार, तो मैं नहीं बना पाती हूँ ब्लॉग, उसके लिए सॉरी। तो अभी गाइज मैं सोने लगी हूँ, तो गुड नाइट। आप मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं कल भी दो कीर्तन करूँगी, उनके भी मैं आपको दो वीडियो डालूँगी। तो गाइज बाय, गुड नाइट।